नॉमिनेशन में जो अभी जो 7 लोग फंस चुके हैं, तो इसमें से कौन बेघर होगा? और जो है अभी इस बार जो है आप लोगों को बता दूं कि नॉमिनेशन में जो है शिवानी जो है अभी इस बार जो है बच चुकी है और नॉमिनेशन में नाम नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अदनान है, अरमान मलिक है, लवकेश कटारिया है, विशाल है, सना मकबूल है, और जो है दीपक चौरसिया है, और जो है 7 कंटेस्टेंट हैं जो इस बार जो है नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। लेकिन आज जो है रिजल्ट आएगा कि कौन जो है। देखिए, रात भर पूरा जो बीते रात गए वो पूरा वोटिंग चालू था दोस्तों, और जो है एपिसोड निकलते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन घर से बेघर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वोटिंग की बात करूं कि सबसे कम अगर वोटिंग अगर जो वोटिंग पोल के अनुसार अगर देखा जाए, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि सबसे नीचे जो है दीपक चौरसिया जो है, तो उसका ज़्यादा संभावना है निकलने का। और जो है फिर सना सुल्तान है, तो ये लोग का जो है दोनों का जो है निकलने का ज़्यादा चांस है। तो ये लोग अभी देखिए क्या होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जब तक शिवानी है तो शिवानी का आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इस बार तो शिवानी नॉमिनेशन में नहीं है। लेकिन जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो आप लोग प्लीज़ शिवानी को सपोर्ट करें। और शिवानी के साथ साथ अगर उसका अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो जैसे सना मकबूल उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी है, तो सना मकबूल को भी आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बार तो नॉमिनेशन में फंस चुकी हैं सना मकबूल। अभी तो इस बार बच चुकी हैं, क्योंकि देखिए सबसे नीचे जो है, और सबसे नीचे जो है दीपक चौरसिया है वोटिंग के आधार पर। देखिए अभी इस सीज़न मतलब इस बार जो है कौन घर से बेघर हो रहे हैं। और सबसे एक नंबर में है जो अदनान शेख हैं, नए नए वाइल्ड कार्ड से जो है एंट्री लिए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं, आज मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों को बता दूं कि मैं तो ब्लॉगिंग करता हूँ, और ब्लॉगिंग के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर मैं मलेशिया में हूँ दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं मलेशिया में हूँ और मैं भी एक ब्लॉगर हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं और कैसे रहते हैं, ये भी मैं ज़्यादातर बताने का कोशिश करता हूँ लोगों को। तो मेरा जितने भी लोग हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग से यही गुजारिश है कि मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूं, और मैं भी एक जो है गांव से हूं, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर छोटे से ही बड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और मेरे ब्लॉगिंग चैनल, जैसे मैं अभी चैनल चला रहा हूँ ये वाला, तो इससे मुझे भी एक उत्साहित होते हैं अगर आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि देखिए एक जो शिवानी कुमारी को ही सिंपल ले लीजिए, वो लड़की होके भी कितना ऊपर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, और जो है बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शिवानी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूं दोस्तों। देखिए पहले भी मैं उसका ब्लॉगिंग देखा करता था, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि शिवानी कुमारी जो है बिग बॉस तक पहुँच सकती है। लेकिन उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन फॉलोविंग है इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेके, और बहुत ही अच्छी लड़की है। जो वो बात करते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, उसकी अगर बात किया जाए तो सबसे अगर फनी अगर मोमेंट्स रहते हैं, और जो भी इंटरेस्टिंग जो बिग बॉस के अंदर जो घर के अंदर कर रहे हैं ना दोस्तों, तो शिवानी के जो है कारण ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि शिवानी अगर ना इंटरेस्टिंग बातें करे और ना ही ये करे ना, तो बिग बॉस के अंदर अच्छा ही नहीं लगता है। अगर शिवानी नहीं रहती तो शायद वो लैंग्वेज के साथ साथ इतना मतलब लोगों का जो है ये करते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। पहले लोग उसको ज़्यादा बदतमीज़ बोलते थे, लेकिन अभी जो है शिवानी जो है बहुत ही अच्छी हो चुके हैं। और देखिए नए नए सबको एक जगह में जाके जो है अच्छा जगह पोजीशन बनाना बहुत ही मुश्किल होते हैं, जो शिवानी ने कर दिखाया है। ये बहुत ही बड़ी जो है मुश्किल की बात था। लेकिन आप लोगों को बता दो कि शिवानी के जैसा मेहनती लड़की जो पहुंच चुके हैं वहां पर, तो मैं आशा करता हूं कि बिग बॉस में उसके जितने भी फैंस हैं उसे जिता कर ही घर वापसी करेंगे। और जो है आप लोग उससे भी गुजारिश हैं, अगर मेरा वीडियो जो लोग भी देखते हैं, शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर बहुत ही अच्छी लड़की है और दिल की बहुत ही साफ है, क्योंकि उसका मैं हर ब्लॉग जो देखता था पहले, और जो है उसका भी जो है अभी एज की बात किया जाए तो बिग बॉस के अनुसार जो है दोस्तों उसका एज अभी जो है मात्र 22 साल है। ठीक है, तो वो 22 साल में ही इतना सक्सेस कामयाब हो चुके हैं दोस्तों, कि वो बहुत ही कितना हुनर हो सकती है और उसके अंदर कितना टैलेंट है, जो लोगों को इम्प्रेस करके और जो लोगों का दिल जीता। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको नेगेटिव भी कमेंट करते हैं कि शिवानी बहुत बदतमीज है, बहुत ही बेकार है। बहुत सारे कमेंट्स जो है उसके मैंने बिग बॉस के जो इसमें देखते हूँ एपिसोड में, जियो सिनेमा में जाके, तो
तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, लेकिन देखिए शिवानी का सपोर्ट में इतने जो सपोर्टर है बहुत ही है बहुत। तो अभी जो है फ़िलहाल जो है शिवानी को जो है अच्छी तरह जो है वोटिंग हो रहे हैं और अच्छी तरह जो है उसको बहुत ही सपोर्ट मिल रहे हैं। तो आशा करता हूँ सब लोग शिवानी को अच्छी तरह सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें। दोस्तों मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हूँ दोस्तों। आप लोगों को बता दूँ कि मैं तो अभी यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूँ कि मेरा चैनल ही पाम ऑयल प्लांटेशन, यहाँ प्लांटेशन वर्क में आया हूँ, प्लांटेशन सेक्टर में मलेशिया में। तो ये काम जो है बहुत ही हार्ड वर्क होता है दोस्तों, धूप में काम करना पड़ता है और बहुत ही वजनदार फल उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी नॉर्मल काम है, हालांकि हाँ मैं मलेशिया में हूँ, विदेश कंट्री में हूँ दोस्तों, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही आराम मिलता है। यहाँ पर बहुत ही धूप से काम करना पड़ता है और जो है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा बड़ा फल भी उठाना पड़ता है कंधे में और फिर रोड में ले जा कर रखना पड़ता है आप लोगों को बता दूँ आज मैं जीसीपी में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। खासकर मैं जो है ज़्यादातर वीडियो शिवानी के लिए बनाता हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो है आप लोग अगर शिवानी जिस बार नॉमिनेशन नहीं होते हैं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ सना मकबूल को अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सना मकबूल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि सना मकबूल भी बहुत ही अच्छी लड़की है। हालांकि उसने बोला कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं खेलने के लिए, तो गलत कहाँ बोला है दोस्तों। कोई भी अगर आप खेल खेलने जाते हैं, कोई भी गेम्स होते हैं यार, गेम में अगर कोई भी खेलना जाते हैं तो उसको किसी तरह जीतना होता है, आप सेल्फिश हो या कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको अच्छा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सना मकबूल एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और अगर किसी से भी अगर शिवानी की जमती है और शिवानी के साथ टाइम स्पेंड जो करती हैं ज़्यादातर जो भी है वो शिवानी और सना मकबूल है, इसीलिए मैं ज़्यादा जो है सना मकबूल को भी सपोर्ट करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो अगर शिवानी और सना मकबूल दोनों को भी सपोर्ट करें, ठीक है। लास्ट में तो देखा जाएगा यार कि कौन विनर होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शिवानी और सना मकबूल को आप लोग सपोर्ट करें और मैं भी सपोर्ट करता हूँ